इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आईपीएस यादव और आप देख रहे हैं इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। संजय राउत ने बीजेपी को श्राप दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में विनाश की शुरुआत महाराष्ट्र से हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, संजय राउत ये वही खिलाड़ी हैं जो पिछले एक महीने से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के पक्ष में बयान देने के लिए। उन्होंने आज सुबह ही ये ट्वीट किया है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के विनाश की शुरुआत महाराष्ट्र से होगी, शिवसेना उसकी पहल करेगी। जी हाँ दोस्तों, और ये हो चुका है। आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है। शुक्रवार की शाम को 9:45 बजे तक ये सब कुछ तय था कि शिवसेना के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे प्रधान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, एक दो दिन में उनको शपथ दिला दी जाएगी। लेकिन हम क्या देखते हैं, शनिवार को सुबह लोग जब उठकर सोकर उठे तो देखा फडणवीस मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं और साथ में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। लोगों ने पीएम मोदी के साथ में दो दिन पहले हुई शरद पवार की उस मुलाकात को याद किया और लोगों ने सोचा कि लगता है पीएम मोदी ने शरद पवार के साथ मिलकर खेल कर दिया। लेकिन शनिवार की दोपहर होते होते, शाम होते होते, जब एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें अजीत पवार के सिर्फ 3-4 विधायकों छोड़कर के बाकी सब विधायक यानी 42 विधायक करीब उनके साथ में वापस आ गए, जहां पर अजीत पवार को विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया गया और बाकी और भी विधायकों के आने की वहां पर घोषणा उन्होंने की कि अजीत पवार के साथ मुश्किल से 3 या 4 विधायक हैं और वो भी जल्दी हमारे पास आ जाएंगे। एक दिन के अंदर ही पासा पलट गया और सुबह, शनिवार सुबह तक लोगों को जो ये लग रहा था कि नहीं, लगता है पीएम मोदी के साथ मिलकर के शरद पवार ने कुछ गेम कर दिया है। गेम तो जरूर किया होगा उन्होंने, लेकिन वो ये गेम नहीं था। वो गेम उन्होंने क्या किया वो तो आने वाले टाइम में मालूम पड़ेगा। लेकिन दरअसल शरद पवार ने शिवसेना, कांग्रेस के साथ में मिलकर के कोई धोखाधड़ी वाला गेम नहीं किया है कोई। वो अभी तक तो यही दिख रहा है कि वो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की मिलकर ही सरकार बनाना चाहते हैं। एक दिन के अंदर शरद पवार ने जिस तरह से महाराष्ट्र में राजनीतिक बाजी को पलट दिया, उससे एक बार फिर साबित हो गया कि दरअसल राजनीति के उठापटक में अगर कोई चाणक्य है तो मोटा भाई नहीं, शरद पवार हैं, जो पिछले 50 दशक से राजनीति के, महाराष्ट्र की राजनीति नहीं बल्कि देश की राजनीति के क्षितिज पर छाए हुए हैं अपने राजनीतिक दांव पेच को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, खैर शरद पवार ने उनके साथ मिलकर, पीएम के साथ मिलकर क्या गुल खिलाए हैं, किसानों की ही बात की है या कुछ और की है, वो तो आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा। लेकिन फिलहाल सबकी नजरें इस बात पर जरूर लगी हुई हैं कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति की सत्ता किस करवट बैठती है, महाराष्ट्र की राजनीति की सत्ता का ऊंट आने वाले टाइम में किस करवट बैठता है। जैसा कि आपको पता है, शनिवार सुबह 8 बजे देवेंद्र फडणवीस ने दूसरी बार मुख्यमंत्री शपथ ली है और उनको बताया जा रहा है कि एक हफ्ते का यानी 30 नवंबर तक का समय दिया है राज्यपाल कोश्यारी जिन्होंने बड़ी होशियारी करके रातों रात बीजेपी को सत्ता दिला दी। तो क्या वो बहुमत साबित कर पाएंगे या उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता होगा, कल ही शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, वहां उन्होंने याचिका दायर की है जिस पर सुनवाई रविवार को सुनवाई होने वाली है। कभी भी फैसला आ सकता है उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है। उनकी मांग है कि 24 आवर्स के अंदर बहुमत साबित किया जाए। अगर उनके पास बहुमत है, उनको शपथ दिलाई गई है, तो एक हफ्ता क्यों, हॉर्स ट्रेडिंग के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है भारतीय जनता पार्टी के मोटा भाई हॉर्स ट्रेडिंग में नंबर वन है आजकल, क्योंकि पैसा उनके पास में है, बड़ा बड़ा मोटा मोटा पैसा फेंकेंगे वो तो कोई भी आएगा चल के।
तो ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि विधायक टूट करके क्या मोटा भाई के ग्रुप में जाते हैं, अथवा अपने उसूलों, सिद्धांतों, विचारधारा, पार्टी की विचारधारा की लड़ाई के साथ में वो लोग एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के साथ में खड़े रहते हैं। तो खैर, ये एक तरह से महाराष्ट्र राजनीतिक लाइव है मेरा। आप देखते रहिए इंडिया आजकल, सच खबर हर पल, महाराष्ट्र लाइव में। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।